सबको किया हुआ जो कि 600 करोड़ के रेवेन्यू का काम है, 600 करोड़ रुपया रेवेन्यू पता नहीं यार बुला लिया आपने। सिरमौर कृषक वेलफेयर एसोसिएशन आज इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम लोग 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी, उद्योग मंत्री, उनसे भी मुलाकात की हमारी स्टेट की वेलफेयर एसोसिएशन ने, कृषक एसोसिएशन ने। उसमें हम लोग एक जो सरकार की तरफ से या ऑफिसर्स की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है 25/2020 को, तो उसमें इस मेमोरेंडम के तहत हमें काम करना निहायत मुश्किल है। और इसमें अगर हम लोग चाहते हुए भी अगर ठीक वैध काम जैसे हम कर रहे हैं अभी भी, अंडरलोड चला हुआ है और दूसरे बिद बिल और बिद रॉयल्टी और एम फॉर्म, सप्लीमेंट्री फॉर्म, दूसरी सारी किस्म की फॉर्मेलिटीज़ करते हुए हमारा माल यहाँ से जाता है, तो उसमें भी अधिकारी को इतना प्रेशराइज कर दिया गया है कि वो हमें कहीं भी हमारी गाड़ी को पकड़ के कहीं भी वो FIR दर्ज करने के लिए इसमें कहा गया है। और छोटी छोटी और भी कमियों के जो अगर किसी में पाई गई तो उसमें सीधे FIR दर्ज करने के लिए जो कहा गया है, तो उसमें काम करना इम्पॉसिबल हो गया है। एक कठिनाई भरा ऑर्डर है जिसमें हम सरकार से गुजारिश की है, हमने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से भी गुजारिश की है कि ऐसे ऑर्डर वापस किए जाएं। और जिस ढंग से हम लोग काम कर रहे थे, सुचारू रूप से कर रहे थे, और यहाँ पर जो हमारी चेकिंग अथॉरिटीज़ है, माइनिंग ऑफिसर है, उनका स्टाफ है, इंस्पेक्टर है, पुलिस है, तो उस ढंग से काम वैसे ही सुचारू रूप से किया जाए। यहाँ पर वैध हमारे में जहाँ तक पौंटा की बात है या सिरमौर की बात है, चारों तरफ से जो माल जाता है हमारा, आउट ऑफ स्टेट भी जाता है, विद इन स्टेट जाता है, विदाउट कागज़ के, विदाउट बिल और सप्लीमेंट्री के कोई भी माल बाहर नहीं जाता। उसके बावजूद भी हमें ऐसे ऑर्डर निकाल दिए गए हैं जैसे कि ये पता नहीं कितना अवैध कर रहे हैं, और पता होते हुए भी ये समझ नहीं आई कि कैसे हमारे जो मंत्री है या CM साहब है उनको कॉन्फ्रेंस में ना लेके किया गया है। तो उसमें इस विषय में हम लोग इकट्ठे हुए थे और उसमें जो ऑर्डर की 25 तारीख को इशू हुआ है उसमें DC, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज और माइनिंग ऑफिसर और दूसरे अधिकारियों को आदेश हुए हैं, SP सिरमौर को भी आदेश हुए हैं कि ये चेक किया जाए और खिलाफ जो है वो FIR किया जाए। यदि सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती तो आप लोग क्या करेंगे? वही हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि सरकार से भी मिल लिए, 4 तारीख को भी मिल लिए, हमें मजबूरी है कि हमें काम बंद करना पड़ेगा अपना जब तक कि ये ऑर्डर वापस नहीं होते। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 600 करोड़ का रेवेन्यू सरकार का इस काम से जुड़ा हुआ है, खनन से, जिसमें सिरमौर की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है। और सरकार को रेवेन्यू को भी ध्यान में रखते हुए और हमारे रोज़गार को देखते हुए इस काम को सुचारू रूप से चलाने का सहयोग करना चाहिए, ना कि इसको बंद करना चाहिए। दूसरे 2000 परिवार जो है हमारे काम से जुड़े हुए हैं, जो सीधे जुड़े हुए हैं 2000 परिवार, और परोक्ष रूप से हजारों परिवार इस काम से जुड़े हुए हैं, और इनकी रोजी रोटी के ऊपर भी संकट है। और जिस तरह के मैं बता रहा था कि 600 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि 8 किस्म के टैक्स हैं जो हम सरकार को देते हैं। रॉयल्टी है, GST है, CGCR है, DMFT है, TCS है, इसमें पंचायत टैक्स है,
सरफेस टैक्स है साल का, जीएसटी ऑन रॉयल्टी है, तो 8 किस्म के ये टैक्स हैं। तो इन टैक्सेस के ऊपर भी एक तरह से ये बात आ रही है कि ये बंद हो जाएगा। अगर हमारा रोजगार बंद होता तो सरकार का रेवेन्यू का भी इसमें लॉस होगा। यानी ये समझे कि अन्य जिलों की तरह सिरमौर में भी क्रशर बंद होंगे। हाँ हाँ हाँ, तो बंद ये बहुत बड़ी मजबूरी है हमारी। हम सरकार को सहयोग करना चाहते हैं, परंतु इस ढंग से नहीं कि हमारे पे तलवार लटकी रहे। और इस काम को करते हुए हम सरकार हिमाचल प्रदेश की समृद्धि के ये काम करते हैं, और इसमें हम भरपूर योगदान हम लोगों का है। हम जनता के घर, बिल्डिंग, होटल, सड़क, फैक्ट्रियां, दफ्तर, टनल, सभी प्रकार के निर्माण कार्य का जो हमारा योगदान है बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक खनन पट्टे को जो हमारा सेंक्शन है, ये सारे वैध खनन पट्टा होल्डर है हम लोग, आधे लोग आए नहीं अभी बारिश के कारण। तो 5 से 6 साल लगते हैं एक खनन पट्टे के लिए, 5 से 6 साल में फॉर्मेलिटी पूरी होती है, और 5वें साल या 6ठे साल हमें सरकार से परमिशन मिलती है चलाने के लिए, और उसमें बाध्य हैं सारी नियमों और उपनियमों को मानने के लिए सरकार। उसके बावजूद भी अगर हमें इस तरह के हिटलरशाही वाले ऑर्डर अगर निकाल दिए जाएँ तो हमारा काम करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, कठिन है, और हम ये काम नहीं कर पाते। और हमारी गुजारिश है, जैसे कि हमने किया, हम पार्टी के भी लोग हैं और हमारा ये सुना जाए समस्या और इस पर समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि हम लोग अपना काम फिर से शुरू कर सकें। धन्यवाद।